नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे मुंबई से समस्तीपुर जंक्शन बिहार तक चलने वाली सभी ट्रेन्स की जानकारी के बारे में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मुंबई से समस्तीपुर जंक्शन बिहार तक चलने वाली सभी ट्रेन्स की जानकारी के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे मुंबई से कौन कौन सी ट्रेन है जो समस्तीपुर के लिए रवाना होती है और उन सभी ट्रेनों के नाम और नंबर, मुंबई के कौन से स्टेशन से वो चलती है, कौन से प्लेटफॉर्म से चलती है, कितने बजे चलती है और समस्तीपुर के कौन से प्लेटफॉर्म पे कितने बजे पहुंचती है, मुंबई से समस्तीपुर की जो दूरी है कितनी देरी में अपनी दूरी कवर करती है और वो जो ट्रेन है मुंबई से कौन कौन से दिन ट्रेन चलती है और उस ट्रेन में कौन कौन से कोचेस हैं और कितना डिस्टेंस कवर करती है और एवरेज स्पीड क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। मुंबई से समस्तीपुर के बीच में तीन ट्रेनें चलती हैं मेन, जिनमें से सबसे फास्टेस्ट ट्रेन तो है वो है मुंबई LTT रक्सौल कर्मभूमि एक्सप्रेस, जो कि मुंबई से समस्तीपुर की दूरी जो है 34 घंटे 30 मिनट में कवर करती है। और सबसे स्लोएस्ट ट्रेन है तीनों में से अवध एक्सप्रेस, जो कि 47 घंटे 50 मिनट में अपनी जर्नी जो है कवर करती है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आगे बात कर लेते हैं सभी तीनों ट्रेनों के बारे में, एक एक करके बात कर लेते हैं जो भी मुंबई से समस्तीपुर के बीच में चलती है। मुंबई से समस्तीपुर के बीच में जो सबसे पहली ट्रेन चलती है वो है पवन एक्सप्रेस, जिसका ट्रेन नंबर है 11061। ये जो ट्रेन है लोकमान्य तिलक टर्मिनस मुंबई से हर रोज़ सुबह 11:30 पर एक नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 34 घंटे 45 मिनट बाद समस्तीपुर जंक्शन में अगले दिन रात के 10:15 पर 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाती है। इसके तकरीबन 40 स्टेशन हैं, 1837 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड इस रूट पर 53 किलोमीटर पर आवर है। इसका ट्रेन नंबर मैं दोबारा बता दूं, जो कि है 11061। मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है, सेंट्रल रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। कोचेस के बारे में बात करें तो LHB कोचेस वाली ट्रेन है, सेकंड AC, थर्ड AC, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। इसके अलावा पेंट्री कार का कोच भी शामिल है। कोच कॉम्पोजिशन के बारे में बात करें तो तीन जनरल डिब्बे हैं, एक जनरल डिब्बा इंजन की तरफ लगाया गया है, दो जनरल डिब्बे ट्रेन के पीछे की तरफ, जिसमें से स्लीपर क्लास के तकरीबन 12 कोच हैं, एक पेंट्री कार का कोच है, एक सेकंड AC का कोच है, तीन कोच थर्ड AC के हैं। इसके बाद जो दूसरी और सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है इस रूट पर है वो है मुंबई LTT रक्सौल कर्मभूमि एक्सप्रेस ट्रेन, जिसका ट्रेन नंबर है 12546। ये जो ट्रेन है मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस से हर शनिवार को शाम को 4:40 पर एक नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 34 घंटे 30 मिनट बाद समस्तीपुर जंक्शन बिहार में रात के 3:10 पर एक नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुँच जाती है। इसके तकरीबन 16 स्टेशन हैं और 1850 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर करती है। एवरेज स्पीड इस रूट पर 54 किलोमीटर पर आवर है। सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। और कोचेस के बारे में बात करें तो इसमें सिर्फ जनरल डिब्बे होते हैं, जनरल डिब्बों की टिकट लेकर आपने चढ़ जाना होता है और जनरल डिब्बों के तकरीबन 20 कोच होते हैं, जिसका किराया लगभग 430 रुपये के करीब होगा। बाकी आप अपडेटेड और सही किराया जो है रेलवे टिकट काउंटर से कन्फर्म कर सकते हैं। इसके बाद तीसरी और आखिरी जो सबसे स्लोएस्ट ट्रेन है इस रूट पर वो है अवध एक्सप्रेस, जिसका ट्रेन नंबर है 19037। ये जो ट्रेन है मुंबई के बांद्रा टर्मिनस से हर रोज़ रात के 10:00 5 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 47:50 बाद यह समस्तीपुर जंक्शन में रात के 9:50 पर एक नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है। इसके तकरीबन 79 स्टेशन हैं और 2204 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पर वो है 46 किलोमीटर पर आवर। मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है, वेस्टर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। और कोचेस के बारे में बात करें तो LHB कोचेस वाली ट्रेन है, फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। इसके अलावा एक पेंट्री कार का कोच भी शामिल है। तो दोस्तों इसी के साथ समस्तीपुर तक चलने वाली, मुंबई से समस्तीपुर तक चलने वाली सभी ट्रेन्स की वीडियो की जानकारी जो है समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताएं, या अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की अन्य वीडियोस बनाता रहूं तो भी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। इसी तरह इस चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।